दो मैच खेल इस खिलाड़ी ने दिया अपनी फ्रेंचाइजी को धोखा, आईपीएल से नाम वापस लेकर लौटा स्वदेश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लसित मलिंगा मुंबई के लिए आईपीएल 2019 का पहला मैच नहीं खेल पाई थी। हालांकि वो पिछले दो मैचों में टीम के लिए उपलब्ध थे और प्लेन 11 का हिस्सा भी थे। इसी बीच लसित मलिंगा के इंडियन प्रीमियर लीग 2019 की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं, वापस श्रीलंका जाएंगे मलिंगा। 4 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच श्रीलंका के 4 डोमेस्टिक टीमों के बीच एक वनडे फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जाना है, जिसे श्रीलंका के चयनकर्ता विश्व कप 2019 के ट्रायल के रूप में देख रहे हैं। इस टूर्नामेंट के लिए लसित मलिंगा वापस अपने देश जा रहे हैं, वहां वो गाले टीम की कप्तानी करेंगे। बता दें कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पिछले कुछ हफ्ते पहले उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए पूरा टूर्नामेंट खेलने के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन बुधवार को वो सुपर प्रांतीय एक दिवसीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए वापस अपने घर जा रहे हैं। लसित मलिंगा का वापस जाना मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों के लिए बुरी खबर है, खुद श्रीलंका के मुख्य चयनकर्ता ने की पुष्टि। श्रीलंका के मुख्य चयनकर्ता आशा डे ने स्पोर्ट्स स्टार से बात करते हुए हाँ, कल मलिंगा श्रीलंका पहुंचेंगे और प्रांतीय टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहेंगे। पिछले हफ्ते ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मलिंगा को आईपीएल में खेलने की मंजूरी देते हुए कहा था कि प्रतियोगिता का स्तर बहुत बड़ा है, इसलिए विश्व कप के लिए उसे तैयार होने में बेहतर मदद मिलेगी, वो हमारा प्रांतीय टूर्नामेंट खेलना चाहता है। हालांकि अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने इस बयान को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने अब अपना नया बयान जारी करते हुए कहा, वो हमारे प्रांतीय टूर्नामेंट खेलना चाहता था, पिछले हफ्ते हम उसे पूरे आईपीएल के लिए रिलीज करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन अब वो इस प्रांतीय टूर्नामेंट में खेलना चाहता है, इसलिए हमने उसे वापस भी बुला लिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।